हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गरिमास फिजिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ कॉस्मिक रेस या अंतरिक्ष किरणों का उद्गम। तो कॉस्मिक रेस कैसे डेवलप हुई या कैसे मिली है हमें या कहाँ से आ रही है, इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ कॉस्मिक रेस। तो फर्स्ट हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ कॉस्मिक रेस। तो अंतरिक्ष किरणें जो है उनका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि किन थ्योरीज के ऊपर ओरिजिन बेस्ड है कॉस्मिक रेस का, या हम कह सकते हैं कि कॉस्मिक रेस को बताने के लिए कुछ थ्योरीज डेवलप हुई थी, वो थ्योरीज कौन कौन सी है उसको हमें डिस्कस करना है। तो हमने यहाँ पे मेनली चार थ्योरीज है वो देखी है। फर्स्ट है एक्सप्लोजन थ्योरी, सेकंड है एनिहिलेशन थ्योरी, थर्ड है एक्सेलरेशन थ्योरी और फोर्थ है रिपल्शन थ्योरी। इन चार थ्योरी में अलग अलग मेथड्स कह सकते हैं या एजम्पशन कह सकते हैं जो लिए गए हैं कि कॉस्मिक रेस किस तरीके से बन रही है या कैसे आई है उसके बारे में बताने के लिए। तो हम इन चारों थ्योरीज के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉस्मिक रेस का ओरिजिन बताया गया है इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लोजन थ्योरी या हिंदी में कहते हैं विस्फोट सिद्धांत। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है ये हमें देखना है। तो इस थ्योरी के अंदर ये कहा जाता है कि बहुत सालों पहले, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, एक्सप्लोजन या विस्फोट नाम का मतलब क्या होता है कि फटने की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या चीज़ यहाँ पे हुई है, इस बहुत सालों पहले यूनिवर्स क्या था, एक सिंगल न्यूक्लियस की तरह कंसंट्रेटेड था या एक ही न्यूक्लियस की तरह माना जाता था, लेकिन उस टाइम पे एक एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे यूनिवर्स जो था वो बिखर गया या आप कह सकते हैं एक्सप्लोड हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे गैलेक्सीज जो है वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में बन गई और यहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स निकले या कह सकते हैं छोटे छोटे से पार्टिकल्स यहाँ पे बाहर आए हैं, जिसको नाम दिया गया था कॉस्मिक रेस। ये एक एजम्पशन है, कोई इसका प्रूफ नहीं है। ये माना गया कि जब यूनिवर्स बना था तभी कुछ टाइम उसी टाइम पे हमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स मिले होंगे जिसको हम कॉस्मिक रेस मान सकते हैं और वो बहुत ही हाई एनर्जी के होंगे, लेकिन इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि ये बात सही है कि कॉस्मिक रेस जो आई है वो यूनिवर्स के एक्सप्लोजन से आई है। तो इसका प्रूफ नहीं है हमारे पास में, लेकिन ये कह सकते हैं कि ऐसा माना गया है। तो एक्सप्लोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब यूनिवर्स का एक्सप्लोजन हुआ या विस्फोट हुआ उस टाइम पर ही कुछ पार्टिकल्स मिले हमें जिसको हमने कॉस्मिक रेस नाम दे दिया। तो ये सिंपल सी थ्योरी, एक्सप्लोजन थ्योरी में ये चीज़ कही गई है, बट देर इज़ नो प्रूफ। सेकेंड आता है हमारा एनिहिलेशन थ्योरी या हिंदी में कहते हैं विलोपन सिद्धांत। नाम से लिखता है एनिहिलेशन, विलोपन मतलब यहाँ पे आप मिलने की बात कर रहे हैं किसी चीज़ की। अब क्या चीज़ मिलेगी यहाँ पे हम उसको यहाँ पे देखेंगे। तो मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उनमें डेप्थ स्टडी करने के बाद में ये स्टडी किया कि मैटर जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ है, लेकिन इसी को आगे कुछ टाइम के बाद में मॉडिफाई किया गया। वो अर्ले ने मॉडिफाई किया थ्योरी के अंदर, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि मैटर का एंटी मैटर होता है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कही गई है। एनिहिलेशन थ्योरी में ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि मैटर के साथ साथ एक उसका एंटी मैटर होगा ही होगा, या हिंदी में कहें तो एक द्रव्य के साथ उसका प्रतिद्रव्य होना चाहिए, ये कहा गया है। तो अगर एक पार्टिकल है तो उसका एंटी पार्टिकल ज़रूर होगा, और हम जानते हैं कि अगर एक पार्टिकल दूसरे एंटी पार्टिकल से मिलता है, ठीक है, या एक मैटर जो है उसी के एंटी मैटर से जाके मिले, तो उस केस में क्या होगा। एनिहिलेशन या मिलने वाली विलोपन वाली बात कर रहे हैं हम, तो उस केस में कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और वो एनर्जी कैसी है, बहुत हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी है, और उस एनर्जी को हमने नाम क्या दे दिया, कॉस्मिक रेस नाम दे दिया। बट एक्चुअली कहा जाए तो इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। तो ये सिर्फ इसके अंदर मेन जो पार्ट डिस्कस हुआ वो ये था कि मैटर और उसी का एक एंटी मैटर, तो अगर वो दोनों आके मिलते हैं कहीं पे
एक प्लस और एक माइनस वाली चीज अगर आकर मिल रही है तो उस केस में क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, वो एनर्जी जो रिलीज हुई है वो आपकी पार्टिकल्स जो मिलेंगे हमें वो कॉस्मिक रेस कहलाई होगी। लेकिन ऐसा भी हमारे पास में इसका भी कोई प्रूफ नहीं हुआ कि एनर्जी जो हमें मिली वो कॉस्मिक रेस की एनर्जी को ही शो कर रही है, तो इस चीज़ का हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सेलरेशन थ्योरी या त्वरण सिद्धांत। ये एक्चुअली बेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग या वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो भी प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, उसके ऊपर ये बेस्ड है। ये थ्योरी कहती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है तो वहाँ पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है, या कहें कि चुंबकीय क्षेत्र का जहाँ पे परिवर्तन होगा वहाँ पे कणों का त्वरण होना चाहिए, ये इस थ्योरी के अंदर बताया गया है। लेकिन इस थ्योरी में हम क्या बता रहे हैं कि सन के चारों ओर क्या है हमारे पास में, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड या हम कहें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है जो काम करता है बीटर टोन की तरह। बीटर टोन क्या चीज़ है, एक एक्सेलरेटर होता है या त्वरक कह सकते हैं हिंदी में, जिसका काम क्या है, पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, मीन्स उसकी एनर्जी को बढ़ाना, ये कह सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स की एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो बीटाट्रॉन की तरह काम कर रही है, मीन्स उसको एक्सेलरेट करने का काम कर रही है या पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने का काम कर रही है। तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण कणों के अंदर क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, और एक्सेलरेट होके या त्वरण होके हमें जो पार्टिकल्स मिल रहे होंगे वो कॉस्मिक रेस है। ये जो चीज़ बताई गई है ये भी एक एजम्पशन ही है कि अंतरिक्ष किरणें जो हमें मिल रही है यहाँ पे वो उन एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स के कारण हमें मिल रही है या त्वरित कणों के कारण हमें मिल रही है, जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण हुआ होगा या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण हुआ है, बट इस चीज़ का भी कोई प्रूफ नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिपल्शन थ्योरी या प्रतिकर्षण सिद्धांत किसे कहते हैं। रिपल्शन या प्रतिकर्षण में नाम से दिखता है कोई चीज़ रिपल होने की या दूर होने की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिवर्स की कुछ बॉडीज़ है वो आपस में रिपेल हो रही है, दूर जा रही है, तो यूनिवर्स बनने के टाइम पे मैटर्स की जो एटम्स होते हैं वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये चीज़ के अंदर बताई गई है कि मैटर्स के जो एटम्स थे वो यूनिवर्स बनने के टाइम पे उन्होंने कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया, और एटम्स ने जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा या विकिरण को अवशोषित करा तो उस समय वो एटम्स क्या हो गए, आयनाइज्ड हो गए, और आयनाइज्ड होने के कारण जो मैटर था उसके ऊपर हमारा जो नेगेटिव चार्ज था वो रह गया, और जो बाकी का बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज था वो सारा का सारा कहाँ चला गया, आउट ऑफ दी फील्ड। आउट ऑफ दी फील्ड का मतलब है एटमोसफियर के ऊपर के लेयर पे वो रह गया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो जो पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड के बाहर गया वो पॉजिटिव चार्ज क्या था, कॉस्मिक रेस थी, क्योंकि कॉस्मिक रेस क्या है, मेनली कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो वो पॉजिटिव चार्ज जो बाहर निकले उनको हमने कॉस्मिक रेस मान लिया है। तो ये भी चीज़ हमें यही बताती है कि ये भी एक तरह का क्या है, एजम्पशन है कि मैटर से जब एटम आयनाइज्ड हो गया तो उससे जो पॉजिटिव चार्ज बाहर निकला वो कॉस्मिक रेस है, बट इस चीज़ का भी हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है। तो कुल मिला के आप देखें तो चारों ही थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके अंदर सब एजम्पशन ही है, कोई प्रूफ नहीं है कि कॉस्मिक रेस कहाँ से डेवलप हुई है, ये प्रूफ नहीं है हमारा, सिर्फ एक एजम्पशन पार्ट था कि कौन कौन सी थ्योरी के ऊपर कॉस्मिक रेस का ओरिजिन बेस्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि यूजेस क्या है कॉस्मिक रेस के। तो यूजेस जो है हमारे पास में यांत्रिक किरणों के उपयोग क्या क्या बताए जाते हैं, वो तीन मेन यूज हमने लिख रखे हैं। वो फर्स्ट यूज है कि कॉस्मिक रेस की इंटेंसिटी से या अंतरिक्ष किरणों की जो तीव्रता होती है उससे हम पृथ्वी के चारों ओर क्या वातावरण है या सराउंडिंग्स क्या है अर्थ के, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
कि इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग आप ये पता कर सकते हैं कि किस साइड से पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इस टाइप से आप बात कर सकते हैं। तो कॉस्मिक रेस की इंटेंसिटी से हम अर्थ का एटमोसफियर या सराउंडिंग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ आता है, क्योंकि आपके पास हमें पता है कि कॉस्मिक रेस की एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है, पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या है, बहुत हाई है, या उसकी ऊर्जा अंतरिक्ष किरणों की बहुत ज़्यादा होती है और विभेदन क्षमता भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हम न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन उससे निकाल सकते हैं या किसी भी नाभिक के संरचना के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट यूज़ आता है हमारा कि कॉस्मिक रेस का जो भी हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, वो मेन यूज़ की जाती है पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, मीन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर, क्योंकि कॉस्मिक रेस आई है तभी हमें सेकेंडरी पार्टिकल्स भी मिले हैं। तो पार्टिकल फिजिक्स का जो मेन रोल है वो कॉस्मिक रेस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो कॉस्मिक रेस जो है वो मेनली पार्टिकल फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।